हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का छठा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर 6। फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था उसको एक बार मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ। तो लेक्चर 5th में हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट स्टार्ट किया था, अटैकिंग रिएजेंट। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल पूरा पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला था कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और साथ में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। दूसरा कैटेगरी था कि न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज नहीं हो, केवल इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। और तीसरा कैटेगरी था कि ऑक्टेट भी कम्प्लीट हो, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ वाला आया था और भी ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ नोट्स देखा था, तो ये हम लोगों ने लेक्चर 5 में देखा था। आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर 6 में हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर बिना समय वेस्ट किए हुए लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग और न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन वैसे हम लोग देख चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अटैकिंग रिएजेंट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, बट एक बार फिर से हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल वर्ड है, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। तो न्यूक्लियो, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइल मतलब लविंग। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग वही होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, जिसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, वही पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला, या तो लोन पेयर हो, या दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, यानी कि उसमें पाई बॉन्ड हो। तो ये आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसे कहते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई करके उनका एग्जाम्पल देखेंगे, तो फिर बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो फिर से इसके डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल हैविंग निगेटिव चार्ज, लेकिन ये लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल नाम में ही सब कुछ स्पष्ट है। तो आइए हम लोग सीधे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो वहाँ से बेहतर समझ में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग H-, D-, T-, CH3-, Cl-, Br-, I-, OH-, Or-, Nr2-, etc. ये सभी न्यूक्लियोफाइल हैं, सबके पास लोन पेयर है और इन पे निगेटिव चार्ज है। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें भी आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल हैविंग नो चार्ज आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाटर। यहाँ देखिए लोन पेयर है, लेकिन इस पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अल्कोहल, यहाँ भी देखिए लोन पेयर होगा। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ईथर, यहाँ भी देखिए लोन पेयर होगा, लेकिन कोई चार्ज नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा NH3Mi। अगला एग्जाम्पल RNH2, यहाँ भी लोन पेयर होगा। अगला एग्जाम्पल R2NH, यहाँ भी लोन पेयर होगा। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जाम्पल। ये आप देख पा रहे हैं कि इन पे कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव चीज़ें इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकती है, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है। तो सही बात है, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुछ बुक में इनको भी डिफाइन किया गया है। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए ये कोई स्पेसीज है NH3OH, यहाँ लोन पेयर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वाला साइट काम करेगा, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन चूंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये है किसकी वजह से? इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसका अगला एग्जाम्पल हो सकता है NH3+ और NH2, इस NH2 पे लोन पेयर। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है जिसमें निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है।
मतलब सीधा सीधा बात है कि इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। किसको देंगे? किसी इलेक्ट्रोफाइल को देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इससे पहले जो हमने देखा वो कुछ नहीं था, वो बस न्यूक्लियोफाइल का डिफिनेशन था कि ये इलेक्ट्रॉन डेंस या फिर न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज होते हैं, और इनको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और तीसरा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। इन सबों के डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, इसलिए इन सबों के एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, बट होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।